आज तक मैंने तुझ पे ऊंची आवाज नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि पति पत्नी का साथी होता है, स्वामी नहीं। लोग कहते थे और आज भी कहते हैं कि पत्नी को कंट्रोल में रखो, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि पति रिंग मास्टर है जो अपनी पत्नी को कंट्रोल में रखे। इसलिए आज भी मैं जो कुछ भी कहूंगा वो तेरा पति बनकर नहीं, अनुपमा का पिता बनकर कहूंगा। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप? कहूंगा कि बहुत हो गई तेरी बदतमीजी, अब निकल, निकल यहां से। आप होते कौन हो मुझे यहां से निकालने वाले? जिस दिन से ये मेरे घर में आई है मैंने खुशियों का मुंह नहीं देखा है। अरे हर सास का हक होता है कि अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू चुने, पर आपकी माँ ने मुझसे मेरा वो हक भी छीन लिया और मेरे बेटे के नसीब में इसे थोप दिया, और तब से आज तक मैं इसे बर्दाश्त कर रही हूँ। तूने बर्दाश्त किया? अरे तेरे घर को घर अनुपमा ने बनाया। अरे तो क्या उसके पहले हम क्या जंगल में रहते थे? हमारे घर में क्या दीवारें नहीं थी, छत नहीं थी? तब भी प्रेम था, सब कुछ था। ये अनुपमा तो बहुत बाद में आई, उसके पहले ये घर की बहू मैं थी, मैं। अरे मैंने अपना पेट काट के आपकी गृहस्थी को चलाया है। अरे रात रात भर मैंने आपके माता पिता की सेवा की है, चूल्हा भूख के गरीबी में आपके बच्चों को बड़ा किया है मैंने, दो सूती साड़ी में पूरा साल निकाला है मैंने। अरे आपकी चुटकी भर कमाई में मुट्ठी भर की बरकत डाली है मैंने। ओह माय गॉड, ये ओल्डीज चार सीढ़ियां चढ़ने में हाफ जाते हैं, लेकिन चार घंटे लड़ाई करने के लिए इनके अंदर स्टैमिना है। इस फैमिली के बच्चे बूढ़े और जवान ऑलवेज रेडी फॉर घमासान। क्या ससुराल मिला है। मैं हाथ जोड़ता हूँ लीला, तू चली जा। आज आप हाथ जोड़िए या पैर पकड़िए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस वाह, कमान से निकला हुआ तीर फिर भी वापस आ सकता है, पर गुस्से में निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। इसे कुछ भी ऐसा मत कहिएगा जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। वाह लीला, मर गई लीला। ये आपका कारखाना है, आपका तो मेरा क्यों नहीं है? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि जो पति का होता है वही पत्नी का होता है, तो इस हिसाब से ये कारखाना भी मेरा हुआ ना, तो फिर आप होते कौन हो मुझे मेरी जगह से निकालने वाले? मैं तेरा पति हूँ। आज तक पति वाला काम किया है आपने? अरे पति तो क्या, पिता वाला काम किया है आपने? Old lady is gone fully crazy. मुझे विदा करके लाए ना, तब रिक्शा में लाने की आपकी औकात नहीं थी। मेरे घर से ससुराल तक 5 कोस चल कर आई थी मैं। ससुराल में आकर मुझे क्या मिला? आपकी माँ ने तो दे दिया आशीर्वाद, और बापूजी ने थमा दिया हाथ में 25 रुपया, और आपने दे दी हाथ में रामायण। अरे मेरी शादी में ससुराल से चांदी का छल्ला तक नहीं मिला है। मेरी हैसियत नहीं थी लीला। अरे नहीं थी तो फिर शादी की क्यों? तो कच्चे घर में आई जरूर थी लीला, लेकिन कच्चे घर में रही नहीं। मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया, कारखाना। अरे कमरा और रसोई को घर कहते हैं क्या? अरे घर तो मेरे बेटे ने बनाया और कारखाना मेरे ससुर जी ने दिया, तो आपने जिंदगी में किया क्या है? अरे आप तो अपने बच्चों को ढंग से स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाए। वो तो मेरे बेटे ने 14 साल की उम्र में कमाना शुरू किया, तब जाके डॉली की पढ़ाई पूरी हुई। मेरे बेटे को वक्त से पहले बड़ा होना पड़ा, क्योंकि उसका बाप घर का भार उठाने के लायक नहीं था। चुप हो जाइए बा। अरे आप तो 400 रुपया महीना मेरे हाथ में थमा देते थे, और उसमें मुझे पूरा घर चलाना था। अरे आज के जमाने में 400 रुपये में तो भीख मांगने का कटोरा भी नहीं आता है। अगर मेरा बेटा नहीं होता ना, तो आज हम कोई वृद्धाश्रम में बर्तन मांज रहे होते, बर्तन। बड़े आए कारखानेदार।
दीदी सच में आज तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, नाकाम जीजा का निकम्मा साला चुप। सच तो ये है कि ना आप कभी अच्छे पति थे ना कभी अच्छे पिता, आप तब भी फेल थे और आज भी फेल है। बा, आप मुझसे नाराज हैं तो मुझ पे गुस्सा कीजिए, सब मेरी गलती है। आपको मारना है तो मार लीजिए, चप्पल से मार लीजिए, लेकिन बापूजी को कुछ मत कहिए। आपको मुझसे नफरत है ना, तो आप मेरी जान लीजिए ना। अपने पति को बापूजी के साथ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं बा, वही करते हैं जो बड़ों को करते देखते हैं। अगर मैं तोशु को ऐसे ट्रीट करूंगी जैसे आप बापूजी को ट्रीट कर रही है तो आपको कैसा लगेगा? अगर काव्या मिस्टर शाह के साथ ऐसे बिहेव करे तो मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? आप प्लीज शांत हो जाइए, बहुत ज्यादा हो रहा है। गुस्सा होना तक ठीक है, लेकिन बापूजी के लिए ऐसे शब्द, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तो मैं भी अपनी जुबा पर मेहंदी लगाकर नहीं बैठी। अगर आपने मेरे बापूजी से बदतमीजी की तो आज मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, मैं भी बदतमीजी पर उतर आऊंगी। एक बात हमेशा याद रखना मम्मी, बेटियां अपनी माँ से हर बात में आगे होती है। बेटी होती होगी, अजनबी नहीं होते। और आज से तू मेरी बेटी नहीं पराई लड़की है, और पराए की तरह चुपचाप खड़ी रहे, मेरे पति और मेरे बीच में मत बोल। भाई आप क्या कह रही हैं? इज्जत प्यारी है तो आज चुप हो जाइए संजय कुमार, नहीं तो दामाद का अपमान का पाप मैं सह लूंगी, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। दीदी तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ खून का रिश्ता है, लेकिन जीजा जी के साथ मेरा दिल का रिश्ता है। अगर जीजा जी को एक भी शब्द और कहा ना तुमने तो मैं तुम्हें बाप। तू भूलने के लिए पैदा हुआ है, बोलने के लिए नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ए नौकर तू चुप, तू चुप, तू चुप, तू चुप, तू चुप, सब चुप। दीदी आज तुम सबको तू 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 कह रही हो ना, लेकिन कल तुम पे सब थू 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 करेंगे। मैं तो सब भूलने के लिए पैदा हुआ हूं ना। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं भूल जाऊं कि मेरी एक दीदी भी थी। हाँ तो भूल जा, तुम सब ने मिलके मेरा घर बर्बाद किया है, मेरे घर में आग लगाई है और अब मुझे ज्ञान के मोती बांट रहे हो। तुम सब ने मेरा घर तोड़ा है, आज मैं ये सब तोड़ दूंगी, सब। मैं सबको तोड़ दूंगी, सब तोड़ दूंगी, सब तोड़ दूंगी, जिसने मेरा घर तोड़ा मैं उसको सब तोड़ दूंगी, तोड़ दूंगी। It's nice कि ये old lady पहले से सब कुछ फेंक रही है। जब कारखाना मेरा होगा तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ेगा। ये कारखाना मेरा है, ये जमीन मेरी है, तेरा कुछ नहीं है। जमीन के बदले जमीर छोड़ दिया, बहुत सस्ता सोतक है। कहा ना आज कोई ज्ञान के मोती नहीं बांटेगा, चल निकल। आज के बाद घर में एक गूंगे गुड्डे की तरह रहेंगे, न मेरे खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, न मेरे बेटे के खिलाफ। आज से घर में सिर्फ मेरा राज होगा, मेरी आवाज होगी, आप सिर्फ सर हिलाएंगे और वो भी हाँ में। चलिए घर चलिए, आज से अनुपमा से आपका कोई रिश्ता नहीं होगा, चलिए। मुझे नहीं जाना उस घर में, मुझे नहीं जाना।
घर टूट जाता है तो औरत जीते जी मर जाती है, गुरु टूटता है तो मर्द। अब इस जिंदा लाश को घर ले जाकर क्या करोगी? मुझे नहीं आना वहां। अगर मैं बुरा बाप हूं, बुरा पति हूं, तुम मेरी घर में जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने सालों साल तुझे प्रेम दिया है, सम्मान दिया है, पागल था। आज समझ आया कि दुनिया में प्रेम और सम्मान की कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की। इस उम्र में मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं। सड़क पे रहूंगा, मंदिर के सीढ़ियों पे भीख मांगूंगा, लोगों के जूते साफ करके रोटी कमाऊंगा, पर उसमें भी तेरे साथ रहने से ज्यादा इज्जत होगी। तेरी बेटी का घर है ना, तो तू जा अपने बेटे के घर, मुझे नहीं आना वहां। मैं नहीं जाऊंगा वहां, मुझे नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे उस घर में नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा वहां, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।